तो अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं या फिर इंटर पास कर चुके हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल 2024-25 सेशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार सरकार द्वारा जो है एक नया पोर्टल बनाया गया था, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पे क्या होता है कि अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं और आप मैट्रिक के बाद किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं या किसी भी कोर्स डिग्री में, जैसे मैट्रिक के बाद आप इंटर करते हो या फिर कोई डिग्री के लिए ITI पॉलिटेक्निक यानी कि कोई भी डिग्री हो, या फिर दोस्तों आप इंटर पास कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे या फिर आप कोई पॉलिटेक्निक हो गया, मतलब कोई भी डिग्री के लिए आवेदन तो जरूर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस पोर्टल पे जो है आप आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है सरकार आपको हर एक सेशन में अच्छा खासा अमाउंट पे करती है। ये जो है लगभग 5,000 से लेके 1-1.5 लाख तक स्कॉलरशिप इसमें मिलता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आपने तो यहाँ पे समझ लिया कि कौन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक पास कर चुके हैं या फिर इंटर और आगे पढ़ाई किसी भी क्लास में किसी भी डिग्री में कर रहे हैं तो उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम प्रॉपर जानेंगे कि इसका आवेदन कब से शुरू होने वाला है, साथ में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनवा लेना है, क्योंकि दोस्तों आवेदन करने का लिमिटेड टाइम दिया जाता है और इस दौरान आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होता नहीं है फिर आप आवेदन से वंचित रह जाते हैं और आपको पैसा नहीं मिल पाता है। इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ में आपको बताएंगे कि दोस्तों इसमें जो है कितना अमाउंट मिलता है, कौन से क्लास को कितना पैसा मिलेगा, यानी कि तमाम जानकारी हम आपको जो 2024-25 सेशन आने वाला है इसका आवेदन से रिलेटेड हम बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने का सारा जानकारी क्या है। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या कोई भी जानकारी है हम लेके आते रहते हैं। आइए इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं कि किस तरीके से इसका लाभ मिलता है, कौन सी योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक टेम्पलेट दिखाई दे रहा है जो की बिहार सरकार द्वारा टेम्पलेट जारी किया गया। हालांकि ये 2023 का है लेकिन हर एक साल ये काम करता है, सेमी प्रक्रिया रहता है, कुछ अंतर नहीं रहता है। इसमें देख सकते बताया गया है, सबसे पहले अर्हता के बारे में समझेंगे। तो अर्हता के बताया गया बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार से हैं, बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी आपके आधार कार्ड पर बिहार का ही कहीं का पता होना चाहिए, इस बातों को ध्यान रखिएगा। दूसरे ने बताया कि आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग एवं अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होना चाहिए। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी छोटे कास्ट के लोग रहते हैं उनको ही लाभ मिलेगा, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के लोग। तीसरे ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा जिनके स्वयं की सहित माता पिता विभाग की वार्षिक आय 3 लाख रुपए के मात्र से अधिक नहीं होना चाहिए और इसी तहत छात्रवृत्ति का पात्र होंगे। यानी कि आपके माता पिता का जो भी सालाना आय जो होता है 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी से, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को, ठीक है, जिनका स्वयं का आय सहित माता पिता यानी कि खुद का भी आय और माता पिता की आय यानी सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्था में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था में पुरस्कृत पाठ्यक्रम के अधीनरत हो। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास कर लिए, चाहे इंटरमीडिएट कर रहे हैं, चाहे अदर कोर्स भी कर रहे हैं, तो बिहार के अंदर ही कर रहे हैं तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें बताया गया और समझ लेते हैं कितना आपको कब पैसा मिलता है, क्या कौन से कोर्स आप कर रहे हैं तो कितना आपको लाभ मिलेगा। तो कोर्स का यहाँ से विवरण दिया गया और उस पर छात्रवृत्ति के जो भी राशि आपको यहाँ से बताया गया। सबसे पहले बताया गया एक नंबर बताया गया विभिन्न, यानी अगर प्लस टू विद्यालय में अगर आप कर रहे हैं जैसे कि IE इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ बताया गया छात्रवृत्ति की राशि अधिकतम वार्षिक सीमा देश शैक्षणिक शुल्क एवं अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि दोनों में जो न्यूनतम हो आपको मिलेगा, 2,000 रुपया दिया जाएगा अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो। ये कोर्स का विवरण दिया गया। वहीं पर अगर आप स्नातक कर रहे हैं जैसे BA BSc BCOM कर रहे हैं या समक्ष कोई और भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। वहीं पर स्नातकोत्तर यानी कक्षा तथा MA MSc MCOM या कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा। एंड त्रिस्तरीय जो भी होता है, डिप्लोमा होता है या पॉलिटेक्निक होता है या इसके अलावा और भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपया दिए जाएंगे। व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षण संस्था से अधीन संचालित कोर्स जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, विधि प्रबंधन है, कृषि एवं और भी अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये हो गया यानी कि अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो जैसे इंटरमीडिएट कर रहे हैं या BA BSc कम कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ, यानी कि आपको बता दें मैट्रिक पास करके वैसे स्टूडेंट को इसमें लाभ मिलता है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका लाभ मिलेगा। ये नहीं कि मैट्रिक पास कर लिया, छोड़ दिया, कहीं कमाने गए तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। मैट्रिक पास करने के बाद कुछ आप कोर्स कर ही
रहे तो भी आप इसी में लाभ उठा पाएंगे। अब बात करते हैं कोर्स का विवरण, यहाँ पर दिया गया बिहार के अंदर अवस्थित संस्था में अगर आप कर रहे हैं तो जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्था यानी बोध गया में कर रहे हैं तो आपको 75,000 रुपया मिलेगा। अन्य प्रबंधन संस्था तथा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन संस्था आदि में कर रहे हैं तो आपको 4 लाख तक दिया जाएगा, जो कि छात्रवृत्ति की राशि अधिकतम वार्षिक सीमा तय शैक्षिक शुल्क अनिवार्य शुल्क या निम्नलिखित दोनों में जो न्यूनतम होगा आपको दिया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT यानी पटना से कुछ कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था NIT यानी पटना से कर रहे हैं तो 1,25,000 रुपए दिया जाएगा। अलग अलग जो भी कोर्स जो कोर्सेस होते हैं कर रहे हैं यहाँ पे जो भी बिहार के जो अलग अलग संस्था है इसमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं मेट्रिक के बाद तो आपको इसमें लाभ दिया जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग यानी 6 प्रकार का दिया गया जो भी संस्था है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि किनको मिलेगा, तो बताया गया राज्य के यानी कि राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी संस्था में अधीनत यानी पढ़ाई कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा को उसके लाभ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से छात्रवृत्ति राशि के अंतर्गत उपयुक्त यानी शिक्षण शुल्क अनिवार्य शुल्क अतिरिक्त समय समय पर अनुसरण भत्ते अन्य भत्ता नियमानुसार दे होगा यानी अलग अलग किस्तों में आपको पैसे जो भी है दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जो शिक्षा विभाग बिहार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लेते हुए सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी यानी इसको लेकर एक लिंक एक्टिव किया जाता है विभाग द्वारा यानी शिक्षा विभाग द्वारा, उस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ जाता है। अब आप लोगों में से काफी ज्यादा लोग सोचेंगे कि सर फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो दोस्तों बता दें अभी तो एडमिशन हो ही रहा है तो अभी एडमिशन हो जाने के बाद या इसी महीने आवेदन इसको लेकर शुरू कर दिया जाएगा। तो हो सकता है मान सकते हैं कि शुरू भी कर दिया जाएगा और नहीं भी हो सकता है, तो आप जैसे कुछ इसको लेकर नया अपडेट आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर तो जानकारी दे ही देंगे, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जिससे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले पोस्ट पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे दिखाई देगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए, नीचे के स्कोर डाउन करेंगे तो पूरी जानकारी इसमें बताएगा जो कि हमने आपको अभी भी बताया कि किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करें तो आपको लाभ मिलेगा, तो आप ये जानकारी समझ लीजिएगा। बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड लगने वाला है, आवेदक यानी जो भी स्टूडेंट उनका बैंक खाता पासबुक लगने वाला है, बिहार राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी होता है वो आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, नामांकन जो भी कराए होंगे जिस भी कोर्स के लिए उसका रसीद यानी फ्री स्ट्रक्चर वो भी आपको देना पड़ेगा, 10वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र जो भी है, मार्कशीट जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अप्लाई फॉर दिस एंड क्लास यानी कौन से इसके लिए आप अप्लाई करें उसके लिए डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर किया गया वो आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आपको ये मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।